और अब बात बीजेपी और आरएसएस की जुगलबंदी की। 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और 10 साल के बाद बीजेपी अकेले दम पर जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई। बहरहाल अब आगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता भी फैसला सुनाएगी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इसके लिए अभी से कमर कस ली है। ये रिपोर्ट देखिए। आरएसएस ने संभाली यूपी की कमान। क्या है भागवत का काशी प्लान? 2024 के नतीजों की समीक्षा और मिशन 2027 के लिए बीजेपी मजबूती से जुट गई है। नतीजों की समीक्षा के लिए इंटरनल मीटिंग जारी है। भविष्य में पार्टी में प्रदेश से प्रखंड स्तर तक बड़े फेरबदल की भी चर्चा है, लेकिन उससे पहले आरएसएस ग्राउंड लेवल पर हालात बदलने में जुट गई है। इसके लिए न सिर्फ नए सिरे से मैसेजिंग को लेकर काम किया जा रहा है, बल्कि यूपी संगठन में कई बदलाव किए गए हैं। 30 जून को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काशी दौरा है। इससे पहले आरएसएस के यूपी संगठन में कई बड़े बदलाव कर नए सिरे से कमान सौंपी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारवा दत्तात्रेय होसबोले की मौजूदगी में बैठक के बाद संगठन में कई बदलाव किए गए। ये बैठक इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, जिसमें कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी इस बैठक में समीक्षा की जाएगी कि आखिर में हार की क्या कारण रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संपर्क प्रमुख मनोज कुमार का केंद्र अयोध्या से हटाकर गोरखपुर किया गया। अखिल भारतीय सह गो सेवा प्रमुख नवल किशोर को केंद्र गोरखपुर से प्रकृति भारती मोहनलालगंज लखनऊ में किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के सेवा प्रमुख युद्धवीर को सुल्तानपुर से हटाकर सेवा भारती कार्यालय काशी भेजा गया। मुख्य मार्ग संपर्क प्रमुख राजेंद्र सक्सेना का केंद्र काशी से हटाकर लखनऊ किया गया। पर्यावरण प्रमुख अजय कुमार का केंद्र काशी किया गया है। पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख राजेंद्र सिंह का केंद्र कानपुर से हटाकर भारती भवन लखनऊ किया गया। इन बदलाव के बाद अब 30 को मोहन भागवत काशी आएंगे। बताया जा रहा है कि संगठन के पदाधिकारियों के साथ भागवत बड़ी बैठक भी कर सकते हैं। इस बार के चुनाव में आरएसएस के कार्यकर्ता क्यों साइलेंट रहे? क्यों पदाधिकारी इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिखे? वाराणसी दौरे के बाद मोहन भागवत सीधे गाजीपुर जाएंगे, जहाँ पर वो वीर अब्दुल हमीद की किताब का लोकार्पण भी करेंगे। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ।